दोस्तों, आप सभी को सीतापुर जंक्शन के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में काफ़ी ज़्यादा यात्रियों की भीड़ दिखाई दे रही होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शहनवाज और आप देख रहे हैं दी शहनवाज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो सीतापुर जंक्शन से आप सभी के लिए लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें, बीती 15 और 16 अक्टूबर दिन शनिवार और रविवार को PET पेट की परीक्षा थी, जिसके चलते आप सभी को सीतापुर जंक्शन पर काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थियों और यात्रियों की भीड़ दिखाई दे रही है। दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 आप सभी को पूरी तरीके से भरा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो आप सभी को बता दें, सीतापुर जनपद में PET पेट की परीक्षा का सेंटर काफ़ी दूर दूर जनपदों से आया। हम आप सभी को कुछ प्रमुख जनपदों के नाम बताते हैं जिनका सेंटर सीतापुर जनपद में लगाया गया। रायबरेली, श्रावस्ती, बहराइच, बरेली, सुल्तानपुर, कानपुर आदि जनपदों का सेंटर सीतापुर जनपद में लगाया गया। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जो हमारे विद्यार्थी PET पेट की परीक्षा देने आए थे, और परीक्षा देने के बाद ये सभी लोग अपने अपने शहर की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो दूसरी पाली के ये विद्यार्थी हैं, जो कि दूसरी पाली ख़त्म होते ही जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने अपने गंतव्य पर जाने के लिए सीतापुर जंक्शन पर पहुंचने लगे हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से पूरा काफिला चल रहा है सीतापुर जंक्शन पर। जितने यात्री नीचे पहुँच चुके हैं उससे ज़्यादा यात्री बराबर आ रहे हैं अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं रेलवे से यही अपील करूंगा कि जब भी कंपटीशन का पेपर लगाया जाए तो रेलवे की तरफ से पहले से ही जो एग्ज़ाम स्पेशल ट्रेन है उनका संचालन शुरू कर देना चाहिए हर रूटों पर, क्योंकि स्पेशल ट्रेन शुरू होने से जो विद्यार्थी हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी अपने अपने सेंटर पर पहुँचने के लिए। क्योंकि जो ये विद्यार्थी आप सभी को दिखाई दे रहे हैं जिस ट्रेन से जाएंगे उसी ट्रेन में हमारे जो दैनिक यात्री हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं, साथ में आप सभी को जो ये विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं वो भी इसी ट्रेन में सफ़र करेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना रिस्क और मुश्किल का सफ़र है एक ही ट्रेन में सफ़र कर पाना। तो आप सभी को हम सीतापुर जंक्शन का पूरा व्यू दिखा रहे हैं। तो सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी आप सभी को कुछ यात्री दिखाई दे रहे होंगे, और भी आप सभी को प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4, 5 पर यात्रियों का हुजूम दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, एक मुसीबत और भी है विद्यार्थियों के लिए, जब वो दूसरे जनपद में परीक्षा देने के लिए पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद उन सभी को जो हमारे ई रिक्शा वाले हैं वो भी अपना मन का किराया लेते हैं उनको केंद्र पर पहुँचाने के लिए। जहाँ किराया 10 रुपये का पड़ता है वहाँ उनसे 50 रुपया लिया जाता है, और विद्यार्थियों के आगे भी मजबूरी है क्योंकि उन सभी को अपने केंद्र पर पहुंचना है परीक्षा देने के लिए। तो मजबूरी में वो लोग जो ई रिक्शा वाले होते हैं उनको उनके मन का किराया देते हैं, और खाने पीने में भी उन सभी को बहुत दिक्कत होती है। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से विद्यार्थियों को ठग लेते हैं। तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी रिस्क वाला मामला है विद्यार्थियों के लिए जब वो लोग बाहर परीक्षा देने जाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि परीक्षा का केंद्र ज़्यादा दूरी पर नहीं बनाना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यात्री बराबर सीतापुर जंक्शन पर पहुंच रहे हैं अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए। दोस्तों, हमने आप सभी को आज की इसी वीडियो में PET पेट के एग्ज़ाम की भीड़ दिखाई सीतापुर जंक्शन पर। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो हमारे चैनल दी शहनवाज को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।